अवनी बताइए, गोल्डन गर्ल बन गई हो अब तो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए। और जब मैं फाइनल्स खेल रही थी, क्वालिफिकेशन में 7th आकर, मेरे दिमाग में बस आप ही की बात चल रही थी। तब आपने कहा कि अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, मेडल की नई सोच नहीं है और कोई बोझ लेकर नहीं चलना है दिमाग में। तो मैंने बस वही सोचा, मैंने बस अपना बेस्ट दिया, अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया, उसका कुछ नहीं। मेरे मन में ये सवाल था कि जब गोल्ड मेडल मिल गया तो किसी को भी बहुत हो गया, अब क्या है, जिंदगी में कमा लिया। लेकिन उसके बाद भी खेल में तुम उतनी डटी रही और ब्रॉन्ज लेकर के रही, ये सब यानी कैसे? सर जब मैंने आपसे बात करी तो आपने बोला कि अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, तो मेरे मन में बस वही था कि अभी भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ और मैं भारत का झंडा ऊपर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये मेडल सभी भारतीयों को डेडिकेट करना चाहती हूँ दोनों। और मैं आप बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया, और अगर आप ऐसे, आपका आशीर्वाद है मेरे साथ और सारे एथलीट्स के साथ, तो हम अगले कई डेकेड्स तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।